जहां पर भूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है, सात स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ लोक का निवास दे देते हैं। सात स्थान। और वो सात स्थान जो चंदन के बताए गए हैं, पहला भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन, समझ लेना जरा बहुत अच्छे से। आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं, या कोई जल रहा है, या कोई मर रहा है, या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है। बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे कन कोई गलत तो नहीं कर रहा है, आपको लगता है। सात स्थान चंदन के बताएं महाराज। पहला शिवलिंग, दूसरा जहां गणेश जी का स्थान है, मालूम है ना सबको, जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको, जहां गणेश जी का स्थान है वहां अलग से गणेश जी बैठे, वहां नहीं, शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने, राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा सदानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और सातवां चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो दो सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन, आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है उसका, बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देव अधिदेव महादेव को सात स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहाँ पर वर्णन कर रही है, मैना धन्य और कला की कथा कह रही है, तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा, चंदन भगवान को अति प्रिय होता है और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है। जिसको हार सिंगार का फूल भी कहते हैं, जिसको शिडली का फूल भी कहते हैं, पारिजात हार श्रृंगार। मैं निवेदन करूंगा आस्था चैनल से कि पारिजात का जो पुष्प है उसका दर्शन भी आप सभी श्रोता भाई बहनों को टीवी के माध्यम से कराते जाएं। जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, वो भी इस पारिजात के फूल का दर्शन अवश्य करें। और एलईडियां लगी हुई हैं, उन पर भी आप आराम से पारिजात के फूल का दर्शन कर सकते हैं। पारिजात का पुष्प, हार सिंगार का फूल, ऊपर से सफेद, नीचे जो उसकी डंडी होती है वो थोड़ी नारंगी होती है, संतरे के कलर की होती है, नारंगी कलर। महाराज रात्रि में खिलने वाला ये फूल, रात्रि में जो फूल खिलता है ये पारिजात का और हार श्रृंगार का जो ये पुष्प है जिसको हार श्रृंगार भी कहते हैं, पारिजात भी कहते हैं और कहीं कहीं इसको शिडली का पुष्प भी कहते हैं, ऊपर से सफेद होता है, नीचे उसकी जो डंडी होती है वो नारंगी कलर की होती है। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है।
जिस समय पर संतान की प्राप्ति नहीं होती या किसी कारण से हमारे यहां वंश की वृद्धि नहीं होती, तब देवाधिदेव महादेव की आराधना पारिजात के फूल से करी जाती। अब उस पुष्प को चढ़ाने का एक तरीका है, जरा ध्यान दीजिएगा। पंच पुष्प शिव महापुराण की कथा आप लोग सुनने के लिए बैठे हो, बड़ी आस लगाकर बैठे हो, उसको समझिए। पारिजात का जो फूल शिव जी को चढ़ता है, भगवान देवाधिदेव महादेव को चढ़ता है, जैसे ये शिवलिंग है, मान लो ये शंकर भगवान का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जल नीचे गिरने का स्थान। आप लोगों ने पहले कथा सुनी है ना सबने, आपको सबको मालूम होगा, राइट में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी की जगह। जहां पर ये शिवलिंग रखा है वो माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग के रूप में, शंकर भगवान के रूप में ये शिवलिंग है। ऊपर से जो एक एक बूंद जलाधारी नीचे गिरती है वो शंकर भगवान की पांच लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये शंकर जी की पांच बेटियां हैं। वंश वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, वैभव प्राप्ति के लिए या अपने हृदय की सुख समृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए पारिजात हार श्रृंगार के फूल की शिव जी को आराधना होती है। हार श्रृंगार का जो पुष्प होता है, अशोक सुंदरी वाली जगह पर हम पारिजात के पुष्प को समर्पित करते हैं। उसकी डंडी का जो मुख है वो शिवलिंग की ओर होता है, जब अपन सुख सुंदरी पर चढ़ाते हैं, और फूल का मुख इधर होता है। वापिस उसी पारिजात के पुष्प को उठाकर हम माता पार्वती जी के हस्त कमल पर, जो गोल हस्त कमल है, वहां समर्पित करते हैं। उस जगह पर माता पार्वती जी की ओर से जो पुष्प समर्पित किया जाता है, उसकी डंडी पारिजात की हमारी ओर होती है, पुष्प का मुख महादेव की ओर होता है। तीसरी जगह जब हम पारिजात के पुष्प को अशोक सुंदरी पे